हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। क्या हो गया? हेलो, यस, चंदन बोल रहे हैं? चंदन सिंह? यस, चंदन सिंह। आई चंदन, कहते हैं। आई एम फाइन, एंड यू? मैं अमित बोल रहा हूँ चंदन, SBI कार्ड NPA डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से? SBI कार्ड NPA डिपार्टमेंट। NPA डिपार्टमेंट। कैसे हैं अमित जी? पूरा सुन गया आपका अमित जी? मैं अमित गर्ग बोल रहा हूँ। अमित गर्ग, बताइए। चंदन जी, ये कार्ड यूज कर रहे हैं आप, उस पर आपने इन कैश लोन भी लिया हुआ है और कार्ड का भी पेमेंट पेंडिंग चल रहा है लास्ट 1 मंथ से, तो सर कैसे क्लोज करेंगे? इसे क्या चाह रहे हैं आप डिटेलों पे? इसको सर क्लोज करने का रास्ता जो है ना मेरे पास, हाँ, वो है सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट अभी करूंगा नहीं, अभी नहीं कर पाऊंगा सेटलमेंट। तो कब करेंगे सर? अभी कम से कम 2 महीने और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मल्टीपल डेप्ट है ना, तो आजकल के जो छोटे मोटे उनको पहले बता रहा हूँ, सेटलमेंट की अमाउंट भी जोड़ लो। ओके, और प्लान कितने, क्या कर रहे हैं, कितने तक हो जाए, कैसे हो जाए? कौन जो आपका एड्रेस है, मैं है? कौन से बैंक का कार्ड है यार? मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया है, SBI से बोल रहा हूँ, NPA डिपार्टमेंट। SBI? अरे वो थोड़ा जो है ना मल्टीपल रहते हैं, 2 दिन निकल जाता है। SBI का देखो, मैं मेरे पास 15-14% का लेता है। 14-15% का? हाँ, 14-15% शेयर करोगे? सर आप मेरी बात पूरी सुन लो, मैं वही बोलने वाला हूँ। बताओ, आप अगर चाहो तो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ 14-15% के लिए, और आप चाहो तो उसको सिस्टम पर चेक भी करा देना। लेकिन मेरा शेयर करना चेक बाद में कराऊंगा, मैं पहले बातों में 2-3 चीजें, जैसे आप एज ए फ्रेंड आपको शेयर करो, जो आपकी डेलिक्वेंसी है उस डेलिक्वेंसी पे 14-15%, 20% का क्या आपको लेटर नहीं मिल सकता? क्या है? एक रही है। हेलो, बाकी रही डेलिक्वेंसी की बात, अगर आपका अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है और 1-2 साल हो चुके हैं, उस टाइम तक कोई आउटस्टैंडिंग 6 लाख रुपए हो जाएगी, 7 लाख रुपए हो जाएगी। तो सर मैं आप तो मेरी बात राइट ऑफ और विंटेज के बाद ही कराता हूँ सेटल। नहीं, उस अमाउंट में तो तभी नहीं होगा ना, राइट ऑफ विंटेज कराएंगे जब तक, तो बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा। बाकी आप अगर चाहो तो मैं आपको दे देता हूँ लेटर, लेकिन मेरा लेटर देने का तरीका दूसरा है। बताओ। मेरा लेटर देने का तरीका ये है कि मैं आपको एक आईडी दूंगा, ठीक है? मैंने उस आईडी पर सारे लेटर अपलोड कर दिए, आपको जाकर उस आईडी पर चेक करने पड़ेंगे, सारे NBFC सारे बैंक के सबके लेटर मिलेंगे। ओके, तो अगर आप वो चेक करने के लिए तैयार हैं तो मैं देता हूँ। अगर आईडी और पासवर्ड दे देंगे तो चेक कर लूंगा। आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा मैं आपको, आईडी दूंगा, उस पर आपको जाना है, इंस्टा आईडी, उस पर मैंने अपलोड कर दिया, पब्लिक में बांटता हूँ ये लेटर जानबूझ कर, ताकि जो पब्लिक परेशान है ना वो कम से कम में सेटलमेंट करा पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं रिकवरी कैसे होती है, बंदे सुसाइड कर लेते हैं, तो वो कम से कम में अपनी सेटलमेंट करा ले और मुक्त हो जाए, मैं बांटता हूँ पब्लिक को। आप आईडी तो देख लूंगा, चेक करना हो आईडी ले लो, आप लिखो कुणाल कुमार 71। कुणाल कुमार? हाँ, कुणाल कुमार 71। हाँ, 42। 71420। ये इंस्टा आईडी है, इस पर आप जाओ, सारे लेटर मिलेंगे। और ये कुणाल कुमार ये पर्सन है ना जिसका फोटो लगा है चश्मे के साथ, ये बंदा इसका भाई का खुद का ही एजेंसी समझो आप, ये अवेयर करता है लोगों को भाई, तो इनके मिस्टर कुणाल कुमार के खुद की एजेंसी समझो, अवेयर करते हैं, सारे लेटर डालते हैं ताकि बंदों को मिले। ठीक, आप चेक कर सकते हो बबू, मैंने आपको मेरी आईडी देने का तरीका दूसरा, नाम आपको व्हाट्सअप कर देता, लेकिन मैं व्हाट्सअप नहीं करता हूँ, मैं नए तरीके से देता हूँ, ताकि आपको ना इसमें सारे बैंक सारे NBFC के दिख जाए, हमारा यही काम है। चलो, वो तो समझ गया मैं आपसे बात करने से, आप चंदन सिंह नहीं बोल रहे हैं, उनके व्याप से कोई बोल रहे हैं। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो आप, वाह बड़े इंटेलिजेंट हो आप, इंटेलिजेंट है सर, हम इंटेलिजेंट हैं। नहीं मतलब मैं इंटेलिजेंट तो पहले आप, मैंने ऐसा बंदा देखा जो पहचान गया कि सर आप चंदन सिंह नहीं बोल रहे, उसके व्याप से बोल रहे। अरे वाह सर, क्योंकि चंदन सिंह मेरा बहुत ही खास है ना, तो इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। देखो अब ये मैं नहीं कह सकता वो आपका खास है या आप, मैं ना बदतमीजी बोलूंगा, लोग बहुत बदतमीजी बोल देते हैं,
या उसके बिहाफ पे आपने उनसे कुछ पैसे लेके अपने नंबर वगैरह अपडेट कर लिए या कॉल डाइवर्ट करा लिए? अरे सर एकदम सर, आपने ना आप पहले ऐसे पढ़े थे ना जिसने ऐसी बात बोली तो दिल खुश कर दिया। ठीक है सर, बाकी आप मेरा कहने का तरीके से अब समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। हेलो यस हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कुलदीप जी से हो रही है? मिस्टर कुलदीप से हो रही है, बताइए जी। मिस्टर कुलदीप से हो रही है, बताइए सर। मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किरण बात कर रही हूँ, ये कॉल मैं आपको पेमेंट की रिगार्डिंग की हूँ। सर आपका टोटल अमाउंट है 89,075 रुपये, आपको मनी अमाउंट है 13,513 रुपये। प्लीज आज की डेट में आप कितना पेमेंट करा देंगे? जीरो जी सर, जीरो जीरो। देखिए आज आज मिस करण, आज वही तो बता रहा हूँ मिस करण, आप सुनती नहीं हूँ। आज मैं ज्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगा। आप, मैं सोचता हूँ मतलब कि आप समझोगी ये बात को। मैं इस पर आरटीपी डलवाना चाहता हूँ, डिस्पोजिशन में लिखवाना चाहता हूँ, कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट, ठीक है? मतलब मैं नहीं समझना चाह रही, मतलब नहीं समझ पाई सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। मैडम इस पे आपको आरटीपी करनी है डिस्पोज, और रिमार्क्स में लिखना है कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे। मैंने आशा की कि आप सुन रही, क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में बात करना चाहता हूँ, आज मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। तो ज्यादा बात करना क्या सर, उसमें आपको बताना है आपका नेक्स्ट वाली पेंडिंग है 6,012 रुपये, आपका नेशनल का पेंडिंग चला आ रहा है सर। आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा चलाने के बाद आप एकदम से ऐसा पेमेंट रोक देंगे तो आपका सिविल स्कोर इंजेक्ट होता ना इस चीज से। मैडम मैं जो आप मुझे बता रही हो, मैंने खुद जो है ना एजेंसियां चला रखी हैं, आप मुझे जो भी बता रही हो मुझे पता है, लेकिन मैं आज जो है ना ज्यादा शब्दों में बात नहीं करना चाहता, मेरा बात करने का मन नहीं है, कम शब्दों में समझाना चाहता हूं। मेरी बात नहीं सर, ज्यादा कम शब्द की बात नहीं है, आप मेरे को कन्फर्म बताएंगे इश्यू क्या आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं करा पा रहे मैडम? इंटेंशनली मैडम, रिमार्क्स में लिखना है कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे, ठीक है? कम शब्दों में बहुत ही, ठीक है मैडम? सर वो आपके कहने से थोड़ा हम डालेंगे इसमें। तो मैडम मैं ये पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है? क्या इशू बता दीजिए कि ये इसलिए इशू में आपको पेमेंट नहीं कर रहा हूं। मैडम बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको इशू बता दिया, इंटेंशनली खा के बैठने की आदत हो गई, देने का मन नहीं कर रहा, इससे ज्यादा कम शब्दों में या इससे ज्यादा अच्छी तरीके से मैं नहीं समझा सकता। आप अपना लॉस कर रहे हैं सर इसमें, क्योंकि लॉस कर रहे हैं सर इसमें। मैं जो है ना लॉस करके ही प्रॉफिट कमाता हूं, मैं लॉस करके प्रॉफिट कमाता हूं। हां तो आप अपना लॉस कर रहे हैं सर इसमें, आपका ही लॉस होगा इसमें। हाँ तो मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ, आई एम एक्सेप्ट माई लॉस। सर अगर आप पेमेंट नहीं कराएंगे सर आपको बैक टू बैक कॉल आएगा, आपको चार्जेस लग रहे हैं, आपको 3.5% का ब्याज लग रहा है, लेट पीछे चार्जेस लग रहे हैं, 18% की जीएसटी लग रही है सर। मैडम मैं भी जो है ना पेमेंट करा पा रहे हैं, इसी काम में ना रह चुका हूँ, मैंने आप जैसे एजेंट को ट्रेनिंग दी है, मुझे पता है सारे लॉस पता है, सारा प्रॉफिट पता है। आपको सर ट्रेनिंग दी है तो पेमेंट कराइए ना सर। मैडम पेमेंट ट्रेनिंग का और उसका कोई वो नहीं है सर, आपको पेमेंट कराना है। मैडम वही बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे ये सारे बेनिफिट एंड लॉस पता है, लेकिन मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बता दिया। पता है तो सर भर दीजिए सर। मैडम बहुत पेमेंट को वही तो बता रहा हूँ, बहुत कम शब्दों में बता दिया, पेमेंट में भरूंगा नहीं, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से सर मैं आपके उन शब्दों से नहीं चलूंगी। मेरे को आप ये बताइए कि बस पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? मैडम मैडम इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं आपको, मैंने बताया तो मैडम आपने कार्ड यूज किया था, आपको पेमेंट भरना पड़ता है ना सर उसका से। मैडम इंटेंशनली मैं ये पैसा नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं आपको। क्या मैडम इंटेंशनली मैं जो है ना मंथ ये पैसा नहीं दूंगा, इंटेंशनली उसको कहते हैं, तो इससे ज्यादा मैं आपको अच्छे से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर पेमेंट, क्यों नहीं देंगे? बैंक आप पेमेंट नहीं करेंगे सर इंटेंशनली? क्या सर ये इंटेंशनली आप पेमेंट नहीं करेंगे? इंटेंशनली मतलब होता है कि मुझे खा के बैठने की आदत है, तो मैं ये पैसा नहीं दूंगा। क्यों खा के बैठने की आदत है पहले क्यों खा के आपने देखे सर? जब भरने का नहीं बनता सर आपको नहीं यूज करना चाहिए। मैडम आप कस्टमर से ये नहीं बोल सकती कि सर अगर आपसे भरा नहीं जा रहा तो आपने लिया क्यों, ये अथॉरिटी नहीं होती। सर नहीं सर
अगर आपको कार्ड भर नहीं पा रहे थे तो आपको यूज भी नहीं करना चाहिए था मैडम। ये अथॉरिटी नहीं होती, क्या नाम बताया था आपने? मुझे भी अच्छे से मालूम है, मेरा नाम किरण है सर, मुझे भी अच्छे से मालूम है। मिस किरण आप मालूम है सर, मैंने अगर आपने ट्रेनिंग दी तो आपको मालूम होगा अच्छे से कि मैं ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग दी है ना सर, तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा मेरे रिकॉर्डिंग लाइन में बात कर रही हूँ। आप रिकॉर्डिंग लाइन में बात कर रही हो, आप बोल रही हो, आप बोल रही हो रिकवरी एजेंसी से, तो आपके जो टीएल मैनेजर है आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप रिकवरी से बोल रहे हैं। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हो, अच्छा कलेक्शन वाले भी ऐसी बातें करने लगे। ठीक है मैडम, अपने टीएल के पास जाओ, टीएल के पास जाओ, उससे पूछो सर मैं किसी कस्टमर से ये बोल सकती हूँ कि अगर आपसे भरा नहीं जा रहा तो आपने लिया क्यों? मैंने ये नहीं बोला भरा नहीं जा रहा, मैंने ये बोला कि सर कार्ड अगर यूज किया तो आपको भरना भी पड़ता है। आपने बोला लिया क्यों? आपने बोला मुझसे लिया क्यों? आपने ये बोला? हाँ तो सर बोला तो कुछ गलत नहीं बोला मैंने उसमें। मैडम आप एक नंबर की गधी हो, आपको समझा रहा हूँ कि ये कस्टमर से नहीं बोल रही है मैडम। आप सुनो, अरे सुन, हेलो सुखपाल गल कर रहे हो? दोबारा बोलना। सुखपाल गल कर रहे हो? हाँ जी हाँ। सुखपाल जी एस बी गल कर रही है, मेरे को ना थोड़े क्रेडिट कार्ड की मेल आ गई थी, पेमेंट पेंडिंग थी। हाँ पेमेंट तो पेंडिंग चल रही है मैडम। सर ये ना कार्ड आज एनपीए की लिस्ट के लिए जा रहा है आपका, तो क्या इसमें मिनिमम पेमेंट पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बैंक से तो नहीं हो रहा है जी 2 लाख रुपए। मैडम मैं इसको ले जाना चाहता हूँ राइट ऑफ तक। अच्छा तो क्या एनपीए लगा रहे हो इसको? राइट ऑफ तक ले जाना चाह रहा हूँ। अच्छा राइट ऑफ के बाद क्या करोगे? राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे। सेटल के बाद मल्टी, पहले मैडम मैं बता देता हूँ, मल्टीपल डेप्ट में कम से कम होगा 8 लोग। जब तक राइट ऑफ में लेके जाओगे उतने तो अमाउंट इंटरेस्ट लग के बढ़ती रहेगी, और आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो उतना परसेंट आपको कर देगा कि हमने तुझे आपको जी कर दिया 50% पे। नहीं होता 50% पे करवाएगा वो, सब होता है मैडम। मैं इसको करवाऊंगा 25% से 20% पे, इससे सबको सेटल करना है। एक्सिस का तो मैडम मेरे पास 27% का लेटर पड़ा है, बाकी 25%। क्या बोला, क्या नाम बोला आपने, दोबारा बोला? मैं क्या एक्सिस और एसबीआई में डिफरेंट है ना? एसबीआई से बोल रही है आप, एसबीआई की तो मेरे पास 15% के लेटर पड़ा। चलो कोई बात नहीं, जिस दिन लोगे मेरे को इस नंबर पे कॉल करना। मैडम आपका पर्सनल नंबर है? बिल्कुल सर। मैडम मैं इसको ना एक काम कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, जब मैं लूंगा ना 14% ना आपको भेज दूंगा। गुरलीन के नाम से सेव कर लेना। गुरलीन, ओके मैडम। मैडम आप एक काम करो, सुनो जी, अगर आपको लेटर चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे लेटर पड़े हैं, मैं आपको वो भेज देता हूँ। किस चीज का लेटर? सेटलमेंट लेटर मेरा तो मैडम मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं 14% आपको देखने है ना, 14-15% मैं आपको भेज देता हूँ। आप एक काम करो, आप ज्यादा भारी कुछ नहीं करना, आप एक आईडी लो, आप आईडी लिख लो, इस आईडी पर सारे सेटलमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे, मैंने खुद अपलोड कर। मेरे को कोई बात नहीं है, आप अपने पास रखो। मैडम आप जो मतलब आप कह रही हो ना मेरा नंबर टिप कर लो, आप मुझे बता रहे हो, तो मैडम आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप हो रहे हैं ना कि आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, मैंने कहा श्योर, मैं गुरलीन, मैंने खुद नाम भी बताया आपको। मैडम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गुरलीन के नाम से सेव, मैं आपको तब तो इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप अभी एकदम विश्वास न करो ना, उसके लिए मैं आपको दे देता हूँ। आप मेरे को ज्ञान मत दो, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा ज्ञान ना अच्छा नहीं लगता किसी से लेना। मैडम एक्स्ट्रा होता है आप, जब तक बंदे के बाद खुद का ज्ञान है उसके लिए वही बोध होता है सर। आप इसे जो है ना, आप आईडी ले लो, जितने चाहते लेकर चेक कर लो, एसबीआई का कह रहे हो आप, एनबीएससी तक भी चेक कर लो, बैंक के जिस टाइम बैंक के एनबीएससी चेक कर लो। मेरी बात सुनो, आप अपने पास रखो, उस बाद से आपके काम आएंगे वो। मेरे पास तो है, मेरे पास तो अपलोड कर दिया मैंने, काम आ गया। बस ठीक है, उसको अपने पास रखो। मैं जो है ना, ये जो लेटर है ना, जनता में बांटता हूँ, ताकि जनता जो सेटलमेंट कराती है सस्ते से सस्ते में करा पाए। हाँ तो जनता तुम्हारे जैसी कई लोग हैं, तुम्हारे जो डिफॉल्ट होके बैठे हैं ना। अच्छा आप मुझे कहना चाहती हो, आप मुझे दूसरे शब्दों में ये कहना चाहती हो, जब आपकी देने की औकात नहीं थी तो आपने ले क्यों लिया? नहीं 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 सर देखो, मैं क्यों कहूँगी किसी को औकात, हम किसी की औकात नहीं बता सकते, औकात ऊपर वाला ही बताता है। हम कौन होते हैं, हम तो देखो आप ही इंसान है, हम भी इंसान है।
आपके शब्द सुनकर एकदम मैडम दिल जो है ना कुछ नहीं, नहीं नहीं मैं ये लैंग्वेज किसी को नहीं बोलती सर। औकात तो देखो हमारी भी इतनी नहीं है, ठीक है, किसी को किसी की बात के लिए क्यों बोलना सर, ये चीज नहीं अच्छी लगती है मेरे को। आपने बोला आपको 11 में, ठीक है मेरे को अच्छा लगा, इसलिए ठीक है मैंने मैंने आगे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आपके काम आएगा वो बस, है ना। क्यों किसी को अब्यूज बोलना है, क्यों सर अपनी जबान गंदी होती है, ठीक है ना। हाँ मैडम, आपके मैडम ये शब्द सुनकर ना एकदम दिल खुश हो गया, पहले आप रिकवरी वाली ऐसी हुई है जिसके ऐसे शब्द। नहीं सर मैं देखो किसी को अब्यूज नहीं बोलती हूँ, ठीक है आपने बात करी, आपने फोन उठाया बहुत अच्छा लगा, ठीक है सर। नहीं होती है बंदे की भाई देने मत, कोई बात नहीं, जब आपको मिनिमम से मिनिमम वेव मिल जाएगा उस टाइम सेटल करवा लेना, है ना। हाँ मैडम, कोई तक्का थोड़ी है अपना, कहना कोई पर्सनल पैसा है जरा, अपन लड़ाई करके लेना है, बैंक का पैसा है, जो थोड़ा सही लग गया दे दियो, ठीक है। ओके मैडम, हाँ जी ठीक है। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।